हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। मैं थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा वीडियोस कम डाल पाया इस चैनल पे, नॉट बिकॉज कि मैं चिल मार रहा हूँ, इट्स बिकॉज कि मैं बहुत ज्यादा क्लासेस ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से ही हो जाता है और मल्टीपल चैनल्स पे, रक्षिता के चैनल पे वीडियोस डालनी पड़ती है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था। ओके, आज मैं बात करना चाहता हूँ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ऐसी टॉप सिक्स मिस्टेक्स जो आप करोगे या कर रहे हो बचे हुए 29-28 डेज में। भाई अगर आप इन चीजों से बच जाते हो, आपकी रैंक डेफिनेटली इंप्रूव होगी। हो सकता है जिसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला था उसको सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट जो सभी कर रहे हैं, अटेंडिंग टू मेनी लाइव सेशंस। इतने सारे भाई, अभी लास्ट मंथ है, हर टीचर पढ़ा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सब, और हम लोग बेवकूफियों की तरह लगे हुए हैं। मतलब अपने लिए इस टाइम पे होना चाहिए सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी होगी, लेकिन नहीं, हम क्या करें, ये सेशन हर एक सेशन देके पढ़े सुबह से लेके रात तक। इनफैक्ट टाइम ही नहीं बच रहा, और सेशन बच जा रहे हैं, वो टाइम क्लैशेस हो जा रहे हैं, ओवर अटेंडिंग द सेशंस। और भाई ये हिस्सा मैं सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि भाई यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, हर कोई अच्छा ही पढ़ा रहा है ना, तो ये एक मेंटल ट्रैप होता है कि मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, लेट से 2 हफ्ते पहले पढ़ा, फिर आप उसको आप सोचते हो कि चलो ठीक है रिवाइज कर ही लेते हैं, आओ देख ही ले, 1 घंटे का लेक्चर है, आओ देख ही ले, रिवाइज ही हो जाएगा। यही ट्रैप है, आपको रोकना पड़ेगा। मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखो, फालतू के सेशंस जो आपको ऑलरेडी आते हैं, उस तब भी 1 घंटे का लेक्चर देखा, आउटपुट कितना मिला, 10%। ये गलती आई डोंट नो कितने लोग करे जा रहे, सेशन ये सेशन वो सेशन। नहीं, रोको खुद को। कितना पढ़ोगे, बार बार सेम चीज पढ़ने का फायदा नहीं है, वो भी खुद पढ़ना है, वो बार बार चीज खुद खुद दिमाग में उतारो, रादर देन बार बार सेशंस देख रहे हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, प्लीज प्लीज इसको रोकना। सेकंड थिंग बात करते हैं, वो है ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। ये भी एक अलग ही ट्रैप है, बहुत ही मैसेजेस, हर दिन का मैसेज है मेरा रोज कि सर समझ नहीं आ रहा रिजल्ट खराब होगा, क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये पता नहीं सर समझ नहीं आ रहा, कि बहुत सारे थॉट्स चल रहे दिमाग में। भैया दो पॉइंट्स हमेशा माइंड में याद रखना, पहला आपसे नीचे वाले लोग हैं, जो भी आपके प्रिपरेशन लेवल आपसे नीचे भी कुछ लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, होप के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, फेथ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका शायद सिलेक्शन भी हो जाएगा बट आपका रुक जाएगा। मतलब आप उनके लेवल से ऊपर हो, या फिर आपके बराबर वाले लेवल, आपके नीचे वाले लेवल, आपके बराबर आपके नीचे वाले, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, फेथ के साथ होप के साथ पढ़ाई कर रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, हम लगे हुए हैं, और आप वो डर लग रहा है ये कर रहे हो, कितना खराब लगेगा नहीं, कि आपके लेवल वाले लोग, आपके नीचे लेवल वाले लोग सिलेक्शन पा रहे हैं, आप अपने डर के चक्कर में बिल्कुल आपकी फटी पड़ी, लिटरली बहनों फटी पड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा, हाथ पैर सूज गए बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा यार। ये ऐसा आपको ये हटाना पड़ेगा डर। दूसरा पॉइंट में हमेशा याद रखना भैया, नहीं होगा, होगा जब रिजल्ट आएगा तब सोच लेना कि क्या करना है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अरे अगर आप इससे ऑब्सेस रहोगे, आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, ठीक है। आप जितना बड़े योद्धा बन जाओ, आप फाइटर बन जाओ, लेकिन आप जंग में जाके आप डर जाते हो, आपकी हालत खराब हो जाती है, आपका प्रैक्टिस का क्या फायदा। थोड़ा सा सोचो, जो भी रिजल्ट आएगा, जैसा भी आएगा, अभी इमेजिन मत करो, आने दो रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट आने दो, उसके लिए अभी पढ़ाई करो यार, ठीक है। थर्ड पॉइंट जल्दी से बात करते हैं, मॉक टेस्ट को स्किप कर रहे हैं। सर मॉक टेस्ट स्किप कर रहे हैं, दोस्त मॉक टेस्ट क्या करता है इन टाइम पे, मॉक टेस्ट इज रिक्वायर्ड। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स को, आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको मिक्स करता है, मतलब आपने फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, बायो के कुछ, केमिस्ट्री के, उनको अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके, आपको अच्छे से जाग मिक्स करके बिठाता है दिमाग में। जब आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स देखते हो, इंटरलिंकिंग देखते हो, ये चैप्टर कभी एक चैप्टर क्वेश्चन, कभी इस चैप्टर क्वेश्चन, कभी इस चैप्टर क्वेश्चन, आपका दिमाग रिटेन कर पाता है, आप कनेक्ट कर पाते हो सारे कॉन्सेप्ट्स को थ्रू आउट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट मूवमेंट, ठीक है। अभी चैप्टर पढ़ा, अभी क्वेश्चंस तो सभी के हो जाते हैं, वो तो सभी करते हैं। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपको पूरा 360 डिग्री व्यू देता है कितनी प्रिपरेशन है। तो भैया और कितने से मॉक टेस्ट देने चाहिए, एंड के 28-29 डेज में मिनिमम 5 मॉक टेस्ट, याद रखना है 5 मॉक टेस्ट। 5 मॉक टेस्ट अगर आप कम दोगे काम नहीं चलेगा, 5 मॉक टेस्ट मिनिमम देने ही देने हैं, ठीक है। हालांकि बाद में अनाउंस करूंगा, मैं भी मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, आपके फिजिक्स के मॉक टेस्ट ले रहा हूँ प्रॉपर, 25 अगस्त से 10 सितंबर तक 15 मॉक टेस्ट बिल्कुल एनसीईआरटी पीवाईक्यू बेस्ड। हालांकि अनाउंसमेंट इसके बाद में होगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात आते हैं, सर मॉक टेस्ट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट,
लो मार्क्स इन मॉक टेस्ट जिसके वजह से पूरा डिमोटिवेशन, लो मार्क्स इन मॉक टेस्ट जिसके वजह से पूरा डिमोटिवेशन। गाइस सुनो मेरी बात, दिल से सुनो मेरी बात, मार्केट में आपके हमारे जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, ऐसा कोई मॉक टेस्ट नहीं है, ऐसा कोई मॉक टेस्ट नहीं जो इतना इजी आ रहा है। एवरी मॉक टेस्ट आर कमिंग ऑफ अ टफर लेवल, ठीक है। नीट 2020 के लेवल वाला भी मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल है, सब टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप उन टफ क्वेश्चंस मैंने खुद अटेम्प्ट करके देखे हैं यार, मैं ऐसे हवा हवाई नहीं, मैंने खुद ट्राई करके देखे क्वेश्चंस, यस, जिसके मार्क्स 600 आने चाहिए वो भी उस मॉक टेस्ट में वो शायद 520 ला या 510 ला पाए और आप डरे पड़े हो, एंड इट्स ओके। सर कहां से मिलेंगे ऐसे मॉक टेस्ट मार्क्स? अरे शायद नहीं मिलेंगे, मैं फिजिक्स से करवा दूंगा, ठीक है। आप अपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मॉक टेस्ट देते हो, आप देते रहो, कोई बात नहीं, बट ये मत सोचो कि उसमें मेरे 600 650 आने ही आने तब जाके मेरे नीट में आएंगे। नहीं दोस्त, हो सकता आपके 500 520 आ रहे हो, पर नीट 2021 के ऊपर इतना इजी आ जाए कि आपके उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए। सर बट एक लेवल पता चल जाए, लेवल जानना है आपको, एक्चुअल में जानना है आप किस मार्क्स पे स्टैंड कर रहे हो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, 15 अगस्त में टेलीग्राम पे अनाउंस कर ही रखा है, 15 अगस्त को आपको एक मॉक टेस्ट देना है। किसका देना है, मॉक टेस्ट क्या होगा, वो मॉक टेस्ट कैसा होगा, उसमें फिजिक्स 2020 की होगी, केमिस्ट्री 2020 की होगी और बायो 2019 की होगी। ये कॉम्बिनेशन, एक मॉक टेस्ट में फिजिक्स 2020, केमिस्ट्री 2020 और बायो 2019, ये एक मॉक टेस्ट देना। मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ उसका मॉक टेस्ट डाला हुआ है, ठीक है, और आंसर की भी डालने वाला हूं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। 15 अगस्त को सब लोग देंगे, वो टेस्ट में देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो रियल पिक्चर दिखाएगा, पहली बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज इयर्स, ठीक है, समझ लेना। 15 अगस्त को आप देना है, सब लोग 15 अगस्त को देना, आप चाहो तो लेट भी दे सकते हो, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाला हुआ है, प्लीज वो रियल पिक्चर दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। सर पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए 4 महीने पहले, अब तो यार तो क्वेश्चन मतलब वो है, सर कहते ना 4 महीने पहले पीवाईक्यूज किए थे, लगाए हुए हैं, फिर से लगाने, यस अभी फिर से लगाने, बट सर एक टाइम पे लगाए थे, अगर आपने एक टाइम पे लगाए थे या फिर सर मेरे को तो आंसर भी याद है, इसका ए होता है, फिर से लगाओ ना, ट्राई करो ना, एंड के टाइम पे पीवाईक्यू रिवीजन आपने एक जमाने में लगाए थे, आपको पता था इसका आंसर ए है, आपको पता है इसका आंसर ए है, तो चौके आप लेके आओ ना, फिर से सॉल्व कर लो ना। अगर आपने कभी 4 महीने 5 महीने पहले सॉल्व करें, आपसे तो जल्दी सॉल्व हो जाने चाहिए, वाई आर यू इग्नोरिंग पीवाईक्यू? उसका सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर कहां तक करना है, ऑब्वियसली 90s के आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल 90s के आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिजिक्स की बात बता देता हूं, बायो में तो भाई जब से आपका कोर्स चेंज हुआ है, ठीक है, 2006-2007 से, उसके बाद से आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है उसका देख लेना, बायो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। फिजिक्स में क्या है, आप सारे ही करो, फिजिक्स में सारे करो, बट जो 90s के 2001 या फिर 1998-1999 अगर वो हो जाते तो कर लो, नहीं हो जाते तो उसको दोबारा सॉल्यूशन देखो मत। अगर नहीं हो पाते 90s के या फिर 2001-2002 का क्वेश्चन नहीं हो पाता तो उसको छोड़ देना, हो जाता तो अच्छी बात है, ये फिजिक्स का बता रहा हूं, फिजिक्स में सारे करने, और अगर 90s या 2000 के अगर वो नहीं हो पा रहे तो उनको छोड़ देना है, पॉइंट क्लियर है। 1984 के नहीं हो पाया, छोड़ दो, हो गया बहुत अच्छी बात है। और सिक्स पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे, एनसीईआरटी वी आर नॉट रीडिंग एनसीईआरटी। सिलेक्शन चाहिए ना, इसी साल चाहिए ना सिलेक्शन आपको, आपका मतलब दिमाग वो सही है ना, ठिकाने है ना, यस एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है। सर बायो की तो एनसीईआरटी रीड कर ही लेते हैं, केमिस्ट्री की रीड कर लेते हैं, फिजिक्स की रीड करनी है, जी हाँ फिजिक्स की रीड करनी है, यस फिजिक्स की रीड करनी है। क्या करो, दो चीज करो फिजिक्स के एनसीईआरटी में, पहला पॉइंट तीन चीजें हैं फिजिक्स एनसीईआरटी में, पहला पॉइंट क्या करो, पॉइंट्स टू पॉन्डर, वो पढ़ लो, वो सारे पॉइंट्स, पूरा चैप्टर मत पढ़ो, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लो, ठीक है। सेकंड, पूरे बुक में से देख लो कौन कौन से फॉर्मुलेस लिखे हैं, एनसीईआरटी में सारे फॉर्मुलेस नहीं होते, मतलब कुछ ही फॉर्मुलेस होते हैं एनसीईआरटी में, जितना हम नीट में पढ़ते हैं उससे कम ही फॉर्मुलेस, नीट में बहुत ज्यादा फॉर्मुलेस पढ़ते हैं, फिजिक्स के जो फॉर्मुलेस आप थ्योरी में देखोगे मैक्सिमम फॉर्मुलेस तो पॉइंट्स टू पॉन्डर में कवर हो जाएंगे, एक दो का फॉर्मुला छूट जाएगा तो एनसीईआरटी में देख लेना खोल के एक्सरसाइज में, क्या क्या फॉर्मुले है भैया, एनसीईआरटी के डायरेक्ट फॉर्मुले से क्वेश्चन आना है वो तो भाई फिक्स है। तीसरा, सारे ग्राफ्स देख लो, ठीक है, एक बार ग्राफ्स देख लो, ठीक है, फोटोज बनी होंगी, ग्राफ देख लो, इसका ये ग्राफ है। सेकंड पॉइंट क्या था, फॉर्मुलेस देख लो, पहला पॉइंट क्या था, पॉइंट्स टू पॉन्डर देख लो, ठीक है, पॉइंट्स टू पॉन्डर में सारे फॉर्मुलेस ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएंगे, थोड़े बहुत रह जाएंगे तो देख लेना। तो दिस इज द ऑल 4 पॉइंट्स, अगर आप इन पे अमल कर लेते हो भाई अच्छे मार्क्स लाना तय है, अगर हो सकता है आपका सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला था, अगर आप इन पॉइंट्स पे फोकस कर लेते हो,
इट इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग, बहुत लोग ऐसा नहीं कर रहे। अगर आप कर लोगे तो आप अपने लेवल वालों से, अपने ऊपर वालों से भी ऊपर हो जाओगे कहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know.